हेलो जी, की हाल है तुहाडा? ठीक हो? आज हमारा है थर्ड डे है ना, फोर्थ है मैं बोल रही थी। आज हमारा फोर्थ डे है और हमारी आज एक ही क्लास थी, एक क्लास मैंने ली है और बाकी हमारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं, तो हम फ्री हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना दिन और अपनी यादें मेरी क्लास वालों के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने दिन की रूटीन, रोज़ाना ही वैसे करती हूँ लेकिन बताऊंगी कि हमारी क्लास वालों की बॉन्डिंग कैसी है और हम लोग अगर क्लास ना हो तो कैसे सारे मिल बैठ के बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, मज़े करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी सहेलियाँ ये पास खड़ी है। सॉरी मैं नाम बताना भूल गई थी, मेरी दोस्त है इसके चैनल का नाम है अफशान असर और दूसरी दोस्त है उसके चैनल का नाम है अमीना राजपूत। हम सबको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी वीडियोस देखते रहें और जानते रहें कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लाइफ कैसी गुजरी है और हम लोग अपने दिन कैसे गुजारे, हमारा आधी साल है और हम अपना आधी साल कैसे गुजारे। और यकीन ना बिल्कुल भी ऐसी लाइफ की जो है वो ख्वाहिश नहीं करेंगे। अगर आपको पता लग जाए कि हम किस दर्जे जलील होते हैं, पर सानू जो है ना आदत हो गई है। हाँ, और मैं अब आपको अपना एड्रेस भी दिखा देती हूँ, आप देख लें कहीं आप तो जसूस में ना रह जाएँ कि क्या की पाया या नहीं की पाया। मैं दिखा दूँ अच्छा, मेरी वीडियो बनाना। ओके, बाय कैमरे। ये मैंने क्या पाया है, मैंने तो सॉरी गाइस, गाइस अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ माय OOTD वाला आउटफिट ऑफ द डे और मेरी दोस्त पता नहीं किधर किधर कैमरा घुमाई जा रही है। और ये बिल्कुल सामने है हमारा कैंपस वॉइस FM 106.6। आई डोंट नो वाई आई एम सो ऑब्सेस्ड विद माई हेयर, बस इनके साथ अब मैं खेलती रहूँगी। ये देखें अभी तक मैं इनको हवा में लहराए जा रही हूँ। अभी अफशा बीबी फुल कैमरे को मेरे मुंह के अंदर घुसाने की कोशिश कर रही है और मैं अपने आप को बचा रही हूँ। गाइस, हम मिठाई की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। अफशा की दोस्त की शादी है, उसने लाहौर से स्पेशल मिठाई भिजवाई है। वाह, ऐसे दोस्त मुझे क्यों नहीं मिलते अपनी शादी में, मुझे मिठाई भेजे, स्वीट दें। हमारे दोस्त बताते भी नहीं है, मंगनियाँ करवा लेते हैं। मुझे नहीं पता क्या होती है, ब्लैक वाला पसंद है। वाइट है सारी, ये चमचा में ये तो रसगुल्ले हैं, वही नीचे है, शादी का लड्डू है गाइस, येलो नाइस। आप भी खाए हैं? ये है बर्फी, ये बोंगी है बर्फी, ये चाहिए वो भी बेटा, ये डब्बा में खा के चलो। आ जाओ भाई, मुझे दिखाने दो। ये है गाइस मिठाई, आप भी आके खा लें। मैं फ्रॉम डिपार्टमेंट में नहीं, उमरन श्याम ब्लॉग गोल्डन डेज। क्या तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? ये हमारे घुमन साहब, ये सीआर हमारा। सीआर कभी मेरी वीडियो में नहीं आया, सीआर हाय करो। तुम देखा करोगे जब हमारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों को दिखाओगे। हाँ, स्पेशल हमारा सीआर आया है। अच्छा, ये है शफकार। नहीं नहीं यार, मत तेरी गलती है, नहीं ना दो रहे हैं नींद की, पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। ये हमारा उस्मान। उस्मान कैसे हो? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? याद आ रही है, वो कौन है? तुम कर देना जहाँ मैं टेंशन में जाते थे। लाली भी भेजूंगा, परमानेंट लिपस्टिक भेजो त्री ना, क्या मना दिन तक ना करे। ये हमारे सीनियर हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं ब्लू कोट में और ये पास आउट हो चुके हैं, तो ये यहाँ पे टीचर बन के आए हुए हैं। ये पकड़, मैं लिखवा के आता हूँ। खान बहादुर, तुमने अपना नाम लिखवा ना। एक्चुअली हम लोग सारे क्लास वालों एक साथ आ गए थे तो जूनियर्स को समझ आ गई कि ये लोग रैगिंग ही कर रहे हैं और जो सामने खड़े हैं वो टीचर नहीं हैं बल्कि इनके कोई साथी हैं। फरहंदा इलियास, एक की शक्ल नहीं थी ना, पहले मास्क नहीं लगाया तेरा, किसी को पता है? सबर ले, ठंडी रैगिंग करके आ गए हैं। बहुत अच्छी है ये।
ये सारे हमारे जूनियर। अच्छा तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है, बहुत सीनियर हो गए। इसको बंद करना, पहले मेरा इंट्रो शूट करना। अच्छा इंट्रो शूट होने लगा है गाइस, आप इसके चैनल पे देखिएगा। लाइट कितनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह। Hey guys, what's up? We are back with another semester. और आज हमारे जूनियर्स आए थे, जो जूनियर्स को हम लोगों ने थोड़ा सा रैगिंग करने की कोशिश किया लेकिन ना हेल्दी वे, और हम लोग बने थे सीनियर लड़कियों के, हम लोग रिपीटर हैं। और मैं अपना नाम ये मेहमान वाले भाई है, और मैं से चाँडियो मैंने अपना नाम लिखवाया है, मैंने अपना नाम इसलिए लिखवाया क्योंकि मैंने रिपीट करनी है, ये उस्मान से है। और ये और हम लोग जो है ना आज हम लोगों ने मिठाई खाई, और मिठाई खा के बहुत मजा आया। मिठाई खाई हम लोगों ने कंसेशन वालों की, मुझे बहुत खुशी फैजा के भाई की शादी हो रही है, और फैजा के भाई मुझे तो मिठाई का मजा आया आज के दिन में, क्योंकि मैंने दो मिठाइयां, मैंने दो रसगुल्ले खाए, मुझे ज्यादा खुशी हुई। ऐसे मौके आते रहने चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर बंदा शादी करे और मिठाई लेके आए। ये हमारा सीआर आपने देखा होगा, तुम सीनियर हो या जूनियर हो? मैं तो जूनियर हूँ। कैसा फील कर रहे हो सीनियर हो? चपले ना मारो, मैं आपसे छोटा हूँ ना। छोटे हो, कितने साल के हो? मैं टीन का हूँ। अच्छा सही है, तुम्हारा आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा अभी तक? हाँ बनने दिया, मेरा स्टेटस मिल जाए। ओके सही है। ये हमारी मुबरा है जो कि अभी जाके रैगिंग करेगी, टीचर बनेगी। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का? बहुत अच्छा। अच्छा तो आप कैसा फील कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में टीचिंग करके? हवाओं में फील कर रही हूँ अपने आप को। हवाओं में? जी जी। अच्छा तो आप जरा मैं आपका बाया दिखाती हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। ये देखें जी हमारी मैम मुबरा, ये आज एडवोकेट वाले गेटअप में आई हुई है, लेकिन ये हमारी टीचर है, समझ रहे हो ना? गाइस ये देखिए मेरा दिल टूट गया और टूट के नीचे गिर गया। हम जा रहे हैं फैजा को बाहर छोड़ने क्योंकि उसका भाई आ गया है। हम इसको भी बताएंगे, पब्लिक करेंगे कि हम फैजा को छोड़ने जा रहे हैं। हम अपनी दोस्तों की इतनी कदर करते हैं और उनको बाहर तक छोड़ने भी जाते हैं अपनी टांगों का ज़िया करके। फैजा तुम्हें पहले भी छोड़ने गई हूँ, तुम हो ही इतनी बेहिस, पहले भी गई थी छोड़ने तुम लोग, तुम्हें और उसको पता नहीं किसको बाहर। ये पीछे कैफ़े और सामने से इतनी अच्छी लाइट आ रही है कि मेरा दिल चाह रहा है बस मैं व्लॉगिंग करती हूँ। अभी मैं अपना करवा के आई हूँ फ़ोटोशूट, और ये लोग इतनी सड़ू औरतें हैं ना, पीछे लगी हुई थी बश करो बश करो बश करो, पता नहीं इनको क्या मसले हैं भाई। मेरी पिक्चर्स बन रही हैं, मेरा सूट है, मेरा फ़ोन है, लेकिन नहीं सड़ती रहती हैं। एक ये वाली बनाने वाली तो हमारी दोस्त थी ना, जिसको तुमने ले लिया हुआ था हमसे, तो मेरी भी दोस्त है, मेरी दोस्त यही दोस्त मेरी दोस्त है। उसे पूछो उसका मूड खराब है बेचारे का, फोटोज तो बनवा ली हैं सेल्फी शॉट की। उसका मूड नहीं, उस किसकी किसका मूड खराब है? उसका मूड नहीं खराब, मूड खराब उसका क्या है? ये अफशान, अफशान इधर आओ जरा, लाइट अच्छी आ रही है वो क्यों? अरे मेरी बाजू थक गई यार, कैसे कर लेते हैं लोग ब्लॉगिंग, मेरी तो बाजू थक जाती है। ऐ सारे सेक रहे ने धूप धूप सूखिंग, बस इधर तक हमने छोड़ने आना था। ओके फैजा अल्लाह हाफिज, बाय फैजा, पीछे नहीं देखना बस। कार पहुंचो, ये कहती है यार अब हम आ गए हैं ग्राउंड में, धूप लेने वी आर धूप सेकिंग। नहीं तुम ऐसे नहीं बैठो, ये सारी जनता। वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो क्या सकता है आयशा, जरा एक्सप्लेन करना। जी जी, जो गाड़ियों के पीछे लिखे ना वो मैंने।